नमस्कार दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कला परिक्रमा कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के आईटीओ स्थित प्यारे लाल भवन की आर्टिजन आर्ट गैलरी में। आर्टिजन आर्ट गैलरी जहां मणिकर्णिका आर्ट गैलरी जो झांसी से एक समूह प्रदर्शनी लेकर के दिल्ली आई है। इस समूह प्रदर्शनी में देश भर के कलाकार तो हैं ही, इसके अलावा तुर्की और ईरान के कलाकार भी शामिल है। तो आइए, स्वागत है आपका रेडियो मनमीत पर। भारतीय जीवन अनादिकाल से विविधतापूर्ण रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर उसमें कई परतें हैं। कई बार यह विविधता परस्पर विरोधी दिशा में दिखाई देती है, इसके बाद भी उनमें नाभिनाल संबंध दिखाई देता है। इसी विविधता ने भारतीय मानस को रचा है, और यह रचाव जब कलाओं के क्षेत्र में अंकुरित होता है तो एक व्यापक भारतीय दृष्टि की स्थापना करता है। इस विविधता में जितना टकराव दिखाई देता है उससे अधिक उसमें एकता होती है। झांसी की मणिकर्णिका आर्ट गैलरी द्वारा दिल्ली में 28 अक्टूबर से आयोजित समूह प्रदर्शनी में कलाओं की विविधता का समागम दिखाई देता है। लगभग 50 कलाकारों की इस प्रदर्शनी में कला के नवांकुरों से लेकर वरिष्ठ कलाकार तक शामिल हैं। समूह प्रदर्शनी में विषयों की विविधता स्वाभाविक है, अलग अलग विषय होना स्वाभाविक है। प्रदर्शनी में शामिल कलाकृतियों में प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ और संरचनात्मक स्थापत्य दिखाई देता है। विधा के स्तर पर इसमें पेंटिंग है, स्कल्पचर हैं, ड्राइंग है, फोटोग्राफी है और भी बहुत कुछ है। शैली के स्तर पर भी प्रदर्शनी विविधतापूर्ण है। यथार्थवादी फिगरेटिव कला के साथ ही इसमें भूदृश्य हैं और अमूर्त चित्र भी शामिल हैं। यानी इस प्रदर्शनी में प्रत्येक स्तर पर विविधता है, इसीलिए इस प्रदर्शनी को कला शैलियों का महासंगम कहना गलत नहीं होगा। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यानी 3 दिन तक चलने वाली यह प्रदर्शनी अपने आप में एक अनोखी प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में शामिल वरिष्ठ कलाकारों की बात करें तो इनमें चंद्रशेखर काले, मनोज पवार, चित्रा सिंह, सुनीता लांबा, परबिंदर लाल, रमेश जोशी, राम अवस्थी, मांगेराम शर्मा, देवेंद्र खन्ना, राजीव भार्गव, जसप्रीत मोहन सिंह, कामिनी बघेल, अजीत वर्मा, वेद प्रकाश भारद्वाज सहित अन्य कई वरिष्ठ कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा अमित गर्ग, अंजलि प्रभाकर, आदित्य शंकर प्रसाद, अदिति, अमिता तिवारी, अंजू डागा, आर के सिन्हा, विजया शर्मा, प्रदीप कुमार, पुष्पा अग्रवाल, प्रमिला सिंह, गायत्री माथुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिष्णु अजिधास, कशिश चोपड़ा, कृष्ण कुमार दुबे, मीनू गोयल, नम्रता अग्रवाल, निहल डालोग जी जो तुर्की से हैं और राया दिलखुश जो ईरान से हैं। इसके अलावा आर के मौर्य, प्रसाद भंडारी, प्रियंका अंबास्था, रिया, रुद्रायन दत्ता, शिप्रा तालुकदार, शिवानी संदीप दीक्षित, शुभ्रा गुप्ता, स्मिता कुलश्रेष्ठ, सुमित कुमार घोष और भी कई कलाकार इसमें शामिल हैं। सभी कलाकारों ने अपनी अलग शैली है, सभी कलाकारों की अपनी अलग शैली है। उन्होंने अपनी अपनी शैली में अपनी रचनाओं को रचा है। प्रदर्शनी में शामिल कृतियों को देखें तो उनमें अमूर्तन भी है, आकारों का सम्मोहन भी। ज़्यादातर कलाकारों ने बहुरंगी चित्रों की रचना की है तो कुछ कलाकारों ने काले और सफ़ेद रंग के संयोजन को प्रधानता दी है। वैसे भी कहा जाता है कि कला की कोई एक भाषा नहीं होती, हर एक कलाकार की अपनी अलग भाषा होती है, अपनी अलग शैली होती है। वह अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपनी शैली में व्यक्त करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में कुछ कलाकारों ने बिल्कुल यथार्थवादी शैली में काम किया है तो कुछ लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग को प्राथमिकता दी है, एक कॉन्सेप्ट के साथ काम किया है। हालांकि पेंटिंग में कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, लेकिन इस प्रदर्शनी में कुछ काम बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट
चल आर्ट की तरफ जाते हैं, बिल्कुल नई धारा जो कला की है, चित्रों की जो नई धारा है उसमें दिखाई देते हैं।